जय माता दी। बरेली की हलचल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं बरेली की हलचल। आपको बता दें 19वां विशाल दुर्गा जागरण का हुआ आयोजन सुभाष नगर स्थित रामलला ग्राउंड में। हर साल की भांति इस बार भी बाल युवा कमेटी के द्वारा हुआ पूर्णरात्रि माँ भगवती जागरण, जिसमें ज्वाला देवी से जोत लाकर पूर्णरात्रि जागरण का हुआ आयोजन। वहीं दूर दराज से आए कलाकारों ने सुंदर सुंदर भजन गाकर माता रानी का पूर्णरात्रि जागरण हुआ। वहीं सुंदर सुंदर झांकियां हुई। आप देख रहे हैं बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली की चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए वत्स, बोलो तुम क्या चाहते हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दें कि जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। किस सोच में पड़ गए प्रभु? क्या मांग लिया? क्या वचन देकर वचन से विमुख हो रहे हैं आप? विमुख नहीं हो रहे। तो फिर आप मुझे वरदान दो, जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। और मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। ताली बजा दो एक बार भस्मा सुर के लिए। भस्मा सुर लोगों का विजेता बनूंगा। दिखाऊंगा तो अंदर आएगा। ये ताली बजा दो भस्मा सुर के लिए भक्तों। जरा मजा आ रहा है ना? भांति कहा है प्रिय, आओ तुम्हें मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। नारायण नारायण। ताली बजा दो भाई एक बार। हरिहर नारायण नारायण। मन की शांति मिलेगी। अगर भस्म करना ही है तो शंकर भगवान को भस्म करो। उन्हें क्या भस्म करो? तुम्हारी अकल पर पर्दा चढ़ाए भस्मासुर पर्दा। अगर भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पटरानी बना सकते हो। मैं पार्वती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। हाँ। तो देर किस बात की कर रहे हो भस्मासुर? कैलाश पर्वत पर जाओ और भोलेनाथ का काम तमाम कर दो और माता पार्वती को अपनी पटरानी बना लो। नारायण 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 नारायण। भोलेनाथ आपने जो भस्मासुर को वरदान दे दिया है उससे वो समस्त संसार में त्राहि त्राहि मचा सकता है।
तुम सत्य कह रही हो पार्वती, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। भस्मासुर, आप तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्नता का है तभी यह शंकर, आज मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी को अपनी पटराली बनाऊंगा। दुष्ट, तेरी ये कामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय, शांत रहो, तुम तो शांत स्वभाव नहीं सी लगती। भस्मासुर, भोलेनाथ, आज तुम अपने द्वारा दिए गए वरदान से मृत्यु को प्राप्त होगी। तेरी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय। प्रिय, मैं अभी आता हूँ और तुम्हारे पति शंकर को भस्म करके थोड़ी देर में आया और तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगा। नारायण नारायण, प्राण माते प्राण आयुष्मान। फिर भी आप अनजान बन रहे हो। देव ऋषि भगवान भोलेनाथ तो स्वयं प्रलयंकारी हैं, भला उनके ऊपर संकट की छाया कैसे आ सकती है। देव ऋषि, भोलेनाथ जी ने उसको ऐसा बल दे दिया है वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म। प्रभु, भोलेनाथ ने उसे ऐसा वर दे दिया है वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ये तो वाकई चिंता का विषय। प्रभु, भोलेनाथ जान बचाते भाग के फिर रहे हैं। भोलेनाथ बिना सोचे समझे किसी को कैसा भी वर दे देते हैं। चलो, अब उन्हें बचाना तो है। भस्म कर डालेगा। कौन भस्म कर डालेगा? भस्मासुर। भोलेनाथ, यह अनोखा वर भी तो आप ही ने दिया है उसे। अब क्या कर सकता हूँ प्रभु, तुम ही कुछ करो और मेरे प्राण बचाओ। निश्चिंत रहिए, हम आपको उन तीनों लोगों में ढूंढते रहे और आप और शमशान वाले शिव के पीछे पड़े हैं। प्रिय, वो तो हम उसकी पत्नी को अपनी पटरानी बनाना चाहते, इसलिए उसको मारने के लिए, भस्म करने के लिए उसके पीछे भागे जा रहे थे। ऐसी कौन सी विशेषता है उस मरघटवासी की स्त्री में जो मुझ में नहीं? अरे, आपकी सुंदरता के पीछे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएंगी, परंतु देवी आप हैं कौन? मैं आपकी हृदयेश्वरी हूँ। क्या हम नृत्य सीखने के योग्य नहीं है? ऐसी बात नहीं है, आपको तो हम शीघ्र से शीघ्र सिखा देंगे। तो विलंब क्यों करती है सुंदरी, इसी क्षण शुरुआत कर देना। आओ देखो, मैं जैसी जैसी मुद्रा करती हूँ तुम उसका अनुसरण करते रहना। अति उत्तम। प्राप्ति होती है। अंत में शिव खोड़ी धाम के दर्शन करने वाला प्राणी शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। शिव शंकर की मूर्ति।
जगमगाई जागे भार जागरण कराने वालों का वो देखो मेरी माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की सुहानी रात आई है और लाख नजारों में एक जोत जगमगाई है। जागेगा भाग जागरण कराने वालों का वो देखो मेरी माँ की तस्वीर मुस्कुराई है। तो एक बार श्याम मुरली वाले का श्याम मुरली वाले का गोरे काना काले का जब श्याम मुरली वाले का मैं लाडला हटू वाले का हटू वाले का जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार माँ सीता के लिए छोटे भाई लखन बड़े भाई राम के लिए भाई का लेते किस उपलक्ष्य में हो रहा है ये? जी हमारे बालीवुड कमेटी से हर साल बराबर जागरण होता है और 28 जनवरी को हर साल जागरण होता है। द्वारा देवी से जोत ला के बराबर जागरण हम लोग मतलब हम लोग क्या सभी लोग सबकी कृपा के साथ में काम हो रहा है। तो इसमें कहीं बाहर से कलाकार आते हैं? जी जी बाहर से भैया जोत का वाहन करवा दो उसके बाद ठीक बाहर से भी आते हैं और लोकल के भी रहते हैं। अच्छा तो कौन सा कितना वर्ष हो गया इसको कटाते हुए? 19 वर्ष हो गया ठीक